हेलो दोस्तों, आप लोगों से नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें इंडियन पेन में ओपन प्लास्ट टैंक कैसे लगा सकते हैं और फिर कंसील पाइप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पाइप ऑलरेडी हम लोग कंसील करवा दिए हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये प्लास्ट टैंक का बॉक्स है। हम लोग बॉक्स पहले ओपन करते हैं। पहली बार का स्लिम लाइन इकोनॉमी सबसे बेस्ट मॉडल है। तो ओपन आया है, इसको हम लोग कनेक्शन करवाएंगे। इसको बॉल कॉक बोलते हैं, ये वाला जो ऑटोमेटिक पानी रुकाने के लिए, ये साइफन बोलते हैं इसको, जो लोग चार्ज इशू करते हैं। ये प्लस पाइप है, ये साइफन का हैंडल है, हिंच है, ये वासर दिया है, वासर कोई काम नहीं है, और इसको पीवीसी रेंज दिया है, पीवीसी बना। हम लोग एक ही फिंगर पर फिटिंग करते हैं। फिर देखिए, पहले हम लोग साइफन फिटिंग करेंगे। साइफन का दो वासर दिया हुआ है, दो वासर यूज होगा। देखिए एक वासर ऊपर, एक वासर नीचे, दोनों देखा इसका पाना कंपनी का दिया हुआ है। आप हम लोग बॉल को टाइट करेंगे। देखिए रेंज में दो किस्म का रेंज है, ये जो पीवीसी वाला दोनों काम करेगा। फिर हम लोग बॉल को टाइट करते हैं। बॉल को भी सेम है, दो वासर दिया हुआ है, दोनों यूज करेंगे। और साइड में पाइप दिया हुआ है जो प्लास्टिक में जो पानी जो इन होने के लिए, इसको भी घुसा देते हैं। हम लोग बॉल को पहले घुसा देते हैं। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्ट्रेट है कि नहीं, इसको हम लोग को टाइट करवा लेंगे। अपने जगह पर जाओ, देख लेना पड़ेगा इजी है या कुछ गड़बड़ है। ये सिस्टम का फ्लास हैंडल है, ये चलिए फिटिंग करवाते हैं। ये हैंडल का एक नोजल दिया हुआ है अंदर बाहर के लिए, इसको बाहर से घुसा लेना पड़ेगा, अंदर से टाइट करवाना पड़ेगा। ये साइफन के लिए एक चीज दिया हुआ है, देखिए साइफन को जो ऑन ऑफ करता है, इसको ना साइफन को टाइट कर लेना पड़ेगा। अब ये हैंडल को पहले घुसा के यहाँ पर इसको पुश कर लेना पड़ेगा। इसका ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में बैठाना पड़ेगा, बैठा के फिर हमारे लोग बोले थे पीवीसी ना नट को टाइट करना पड़ेगा। अब हम लोग फ्लास्क पाइप को टाइट करवाए हैं। ये वासा है, ये वासा को पहले यहाँ पर ले लेना पड़ेगा। इसका दो नट है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, हम लोग इसको ऐसा ले लेना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा वासा अंदर गया कि नहीं। इससे ज़्यादा मजबूती करने के लिए और भी बेहतर होगा थोड़ा पाइप जब इसमें टेबल टेप ले लीजिएगा, तो उसको भी टेबल टेप हम ले लेते हैं। अब इसको हम लोग उठा लेंगे। अब ये सिस्टम ना पुश कर लेना पड़ेगा, सिस्टम पुश करना तो ये देखना पड़ेगा सही से जा रहा है कि नहीं, चला गया। अब इसको हम लोग टाइट करवा लेंगे, तो यहाँ पर डबल वाशर का काम कर देगा, सिंगल वाशर का ही प्रॉब्लम करेगा तो ये वाशर का काम कर देगा। ये टाइट करने का हम ध्यान देना पड़ेगा अंदर का, अंदर थोड़ा ध्यान दीजिएगा सही से, तो इसको सही से टाइट करवा दीजिएगा। और दूसरा वाला जो नट है इसको भी आराम से ऊपर से टाइट करना पड़ेगा, ये बस खूबसूरती के लिए है, कोई काम के लिए नहीं है, खूबसूरती। अब हम लोग को बैठा के देखा देना पड़ेगा कितना काटना पड़ेगा जमीन, करीब करीब दो ढाई इंच काट लेना पड़ेगा। यहाँ मार्किंग देखिए, यहाँ एक बीट दिखाई दे रहा है, एक बीट में दोनों साइड से बीट का एक दाग लेना पड़ेगा जो हम लोग दाग दिए, देख दिखाई दे रहा है आपको,
बीट से दाग लेना पड़ेगा। इधर भी सेम है, वैसे बीट में दाग लेना पड़ेगा। अब कितना क्या छोड़ना पड़ेगा आपको, दे भी देखना पड़ेगा, लेवल बैठा के देखना पड़ेगा, स्पीड लेवल सेंटर है कि नहीं, उसके बाद हम सेंटर दाग ले लेंगे, हो जाएगा। ये हिंच, अब हिंच का कैसा मेजरमेंट लेना है वो देखिए। हिंच को अंदर घुसा लेना पड़ेगा 40 mm। अब 40 से थोड़ा आप कमा के रखिएगा, 35 mm करिएगा, थोड़ा ऊपर में रखिएगा, क्योंकि नीचे जब पाइप में पुश किए हैं वहां पर थोड़ा मेजरमेंट करने के लिए पाइप जब पुश किए हैं आउटलेट में। अब इसको 40 mm देखा रहा है, 35 रखना पड़ेगा, 35 mm, 40 भी पूरा नहीं है तब तो आप 35 mm रखना बेहतर है। चलिए हम लोग पहले लाख लेते हैं। आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर जब नए हैं तो सब्सक्राइब करवा दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद में साइड में एक बेल आइकॉन है उसको ही प्रेस करवा दीजिए, क्योंकि जो भी नया नया वीडियो आने वाला है आप लोग के पास जो नया से फिर नोटिफिकेशन जा सकता है। सेंटर का आपको दाग लेना पड़ेगा 35 mm, सेंटर होल का सेंटर जो स्कूप में हम लोग टाइट करेंगे, हम लोग इसको मार्किंग करवा लिए। अब इसको भी सेम है सेंटर करके 35 mm को रख लेना पड़ेगा। दोनों दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये भी मार्किंग हो गया, वो भी मार्किंग हो गया। चलिए हम लोग अब ड्रिल मार लेते हैं, ड्रिल मशीन से होल कर लेते हैं। अंदर पुश कर लेना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है आपको। तो फिर इतना बड़ा बड़ा स्क्रू और बुलेट दिए है, कोई काम का नहीं है, लोहा का स्क्रू है, इसको आप चेंज करके स्टील का स्क्रू लगा लेना अपना पास से बेहतर है, ये दिखाई दे रहा आपको। चलिए हम लोग हिंज को पहले टाइट कर लेते हैं। अब हम लोग को सिस्टम को एक बार लगा के देख लेना पड़ेगा सही है या कुछ कलर गड़बड़ है। अब देखिए हम लोग स्पीड लेवल बैठा के देखा, देख लीजिए सही है कि नहीं, कोई भी एक पुराना कपड़ा को लेकर इसको थोड़ा मोड़ के या जॉइंट मार देना पड़ेगा, जब अंदर घुसा लेना पड़ेगा इसको, बस इसको आपको वॉइस में सही से इसको लगा लेना पड़ेगा। हम लोग वॉइस में भी लगाया कंप्लीट हो गया, और इसको थोड़ा सफाई करना पड़ेगा। चलिए हम लोग का वीडियो हम लोग खत्म हो गया, देखिए सिस्टम कैसा लग रहा है, इंडियन पिन के साथ में सिस्टम कैसा हो रहा है, इसका कनेक्टर लगाना है वो भी लगवा देगा, देख लीजिए। देखिए हम लोग कनेक्टर भी लग गया। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।